आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि आपके जो ग्वालियर और ओरछा ये एमपी में पढ़ते हैं, इन दोनों को विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया था। और अभी बात कर रहा हूं कि एक सिंगापुर में के हॉकर संस्कृति है, इसे भी इसने क्या किया है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को के बारे में। वैसे आपको बताऊं कि इस तरह के जो भी संगठन है आपको उनको हम सबको कवर कर चुके हैं, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई संगठन छूटा हो तो उसे भी बताइए, उसे भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी बता देता हूं आपको कि यूनेस्को की स्थापना आपकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। कुछ समय पहले आपने देखा होगा काफी फ्रांस चर्चा में भी था दंगों के कारण, ठीक है। और यहाँ जैसे ही देखेंगे, अगर हम लोग सिंगापुर की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यह है सिंगापुर, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत, इसमें हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, ये म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना है आपका दोस्त, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने अंतर सरकारी समिति के 15वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के होकर समिति को शामिल संस्कृति को शामिल किया है। तो याद रखिए, हॉकर संस्कृति कहां से जुड़ी हुई है? सिंगापुर से। सिंगापुर में अगर हॉकर संस्कृति की बात करें, कल्चर की, तो सिंगापुर में हॉकर एक जीवंत संस्कृति है जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है। यह सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक पहचान को एक व्यक्तिगत व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में दर्शाती है, तथा सभी जातियों व सामाजिक स्तरों पर से परे सिंगापुर की यह पहचान दृढ़ता के साथ प्रदर्शित होती है। बात करते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की, तो यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करते हैं और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी। कब? 2008 में। अगर बात करें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को की राष्ट्रीय सूची का मसौदा लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय आईसीएच सूची में भारतीय अमूर्त विरासत में मौजूद सांस्कृतिक विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय की विजन 2024 का एक हिस्सा भी है, याद रखिए। अब बात करते हैं यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम है यूनेस्को का, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा 2030 यानी कि 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसके आप देखेंगे 193 सदस्य देश और 11 समृद्ध सदस्य हैं। भारत वर्ष 1940 में यूनेस्को में शामिल हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता वर्ष 2019 में औपचारिक रूप से छोड़ दी है। एक बात और बताऊंगा आपको, इस तरह के जो भी संगठन है अगर वो कोई रिपोर्ट जारी करता है या इंडेक्स जारी करता है उनके बारे में भी आप लोग विशेष तौर से याद रखा करिएगा। और भारत कब उसमें शामिल हुआ है, उसके संगठन का भारत सदस्य है और किस सन में सदस्य शामिल बना है, तो उन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा। और एक बात बता रहा हूं बार बार कि कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर अपने हाथ में रख लीजिए, उन्हें देखिए आप लोग कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये संगठनों की ऐसी बात है कि 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा आपकी हो, ठीक है। और अगर यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग आपदा न्यूनीकरण रणनीति के हिस्से के रूप में महासागर आधारित सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु वैश्विक प्रयास का नेतृत्व भी करा है। हाल ही में इसने उड़ीसा के 2 गांव वेंकट रायपुर और नोलिया साय को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया था। तो इनको 2 नाम को याद रखिए, करंट में अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर आप देखेंगे कि उड़ीसा का कोई स्टेट एग्जाम होता है तो उसमें भी पूछने की पूरी संभावना रहती है। अगर यूनेस्को की अन्य पहलों की बात करें हम लोग, तो मानव व जीव मंडल कार्यक्रम, बायोस्फीयर रिजर्व, जैविक और सांस्कृतिक विविधता के सामंजस्य पूर्ण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्वों
में से 12 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आते हैं। इनमें से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व सबसे नया है, एमपी की बात कर रहा हूँ, पन्ना एमपी में। फिर आप देखेंगे विश्व विरासत कार्यक्रम, तो विश्व धरोहर स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 विरासत स्थलों को अभी तक शामिल किया गया है। 30 आपके सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और 1 आपका मिश्रित है। इसमें अभी हाल ही में जो नया है ये जयपुर राजस्थान का शहर है, इसे ये जोड़ा गया था। आपके स्टेट में कौन कौन से शामिल हैं उन्हें स्टेट एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। और याद रखिए स्टेट एग्जाम में क्या होता है कि उनकी डेट भी पूछ लेता है कि कभी कब इसे शामिल किया गया था, किस सन में इसे शामिल किया गया था, तो उन्हें भी आपको याद रखना है। पर आप देखेंगे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भू वैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय महत्व के स्थलों व परिदृश्यों का प्रबंधन, सुरक्षा और शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ किया जाता है। इस पार्क की स्थापना की प्रक्रिया निचले स्तर से शुरू की जाती है और जिसमें सभी प्रासंगिक स्थानीय दावेदारों जैसे भू मालिकों, सामुदायिक समूहों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं आदि को शामिल किया जाता है। भारत में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क मान्यता प्राप्त स्थल अभी तक नहीं है, आगे अगर जुड़ते हैं तो उस पर उसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए। पर आप देखेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने रचनात्मकता को स्थायी शहरी विकास हेतु एक रणनीतिक कारण के रूप में पहचाना है। इस नेटवर्क में 7 शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत रचनात्मक क्षेत्र शामिल है। यूसीसीएन में 5 भारतीय शहर भी शामिल है। कौन सा है? हैदराबाद आपका पाक कला के लिए, इसे 2019 में आपका शामिल किया गया था। दूसरा आपका मुंबई, ये फिल्म क्षेत्र में, इसे भी 2019 में ही शामिल किया गया था। चेन्नई की अगर बात करें तो संगीत का रचनात्मक शहर है, इसे आपका 2017 में शामिल किया गया था। अगर आपकी जयपुर की बात करें तो ये शिल्प और लोक कला के लिए 2015 में इसे शामिल किया गया था। और आप देखते हैं वाराणसी, इसे आपका संगीत का रचनात्मक शहर किस रूप में शामिल किया गया था, इसे भी आपका 2015 में शामिल किया गया था। तो इन सभी को याद रखिए, शहरों को भी, इसके बारे में जो पॉइंट है इन्हें भी याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहेंगे आगे भी, ठीक है।